फंस गए ना, क्या लगा था YouTube से बहुत पैसे मिल रहे हैं। ओके सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो कैसे हो तुम? आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। सो भी टाइम हो रहा है सुबह के 7 एंड आज का डेट है 28 जून 2022। नॉर्मली ऐसा होता था कि मैं सोता था सुबह के 4 बजे, मैं उठता था सुबह के 8 या फिर 10 बजे। सो आज करीब 1 साल के बाद मैं इतनी सुबह सुबह मैं नींद से उठा हूँ। मुझे बेसिकली यूट्यूब के लिए वीडियो क्रिएट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली तुम लोगों के लिए एडिट करना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने सोचा कि एक लैपटॉप या फिर एक पीसी लेने का। सो फिर मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने अगरतला पे बहुत जगह पे सर्च किया, पर मुझे वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा कुछ मिला नहीं, और जो भी मिला वो आउट ऑफ बजट था। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया एंड मुझे वहाँ पे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे एक बेस्ट प्रोडक्ट मिला था। सो यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था 10 जून को एंड मुझे अपना डिलीवरी डेट मिला था 25 जून को, पर उसके बीच में अगरतला, मेघालय, असम में बारिश की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। तो फिर मेरा डिलीवरी डेट थोड़ा सा डिले हो गया। सो यहाँ पे कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी थी एंड वो अपने हिसाब से वो अपना डिलीवरी नहीं कर पाए थे। ए बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। पर यहाँ पे कल रात को फाइनली मेरे पास टेक्स्ट आया कि आपका प्रोडक्ट अगरतला पे रिसीव हो चुका है। सो आज मैं जाने वाला हूँ अपना प्रोडक्ट रिसीव करने के लिए। सो आज एज एन दूसरी बार यूट्यूब के लिए कोई एक चीज में लेने जा रहा हूँ। सो आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा आने वाला है। इतना ज्यादा बात करके टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा रेडी होते हैं, फटाक से निकलते हैं एंड अपना ऑर्डर यहाँ पे लेके आते हैं। गाइस यहाँ पे एट लास्ट मुझे मिल चुका है अपना ऑर्डर। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा एंड इतना ज्यादा भारी वाला ये वाला पैकेज है। सो एज एन मेरा प्लान था कि आप लोग अंदर वाला पार्ट दिखाने का, पर वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे शूट करने अलाउ नहीं है। सो यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा घर चलते हैं। ओके गाइस, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ चुके मेरा इतना बड़ा सा एक पार्सल। सो अभी यहाँ पे इतना ज्यादा बात नहीं करते, जल्दी से इसको यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं। सो अभी इसको भी यहाँ पे साइड पे रखते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे बॉक्स पे क्या क्या चीज है। सो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है, सो यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट है। सो अभी सबसे पहला कंपार्टमेंट में चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज है। यहाँ पे है एक 150 वॉट का यहाँ पे एक एडाप्टर है। सो यहाँ पे इसका साइज बहुत ही अच्छा खास है एंड उसके साथ में यहाँ पे ये वाला जो आरूजी का जो लोग है, सो यहाँ पे ये चीज दिखने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। सो द नेक्स्ट स्टेप वी हैव द चार्जिंग केबल। सो यहाँ पे ये वाला जो चार्जिंग केबल है, सो इसका यहाँ पे जो लेंथ है ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटा है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट पे यहाँ पे क्या क्या चीज है, यहाँ पे 3 पुस्तकें है, जो कि इसमें एक इतना बड़ा सा एक आलोजी का एक लोगो है एंड उसके साथ में यहाँ पे है एक यूजर मैनुअल, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता है क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही सीख जाते हैं। सो हियर वी हैव द लास्ट कंपार्टमेंट। हे भगवान, आज उसने हमारे साथ धोखा किया यहाँ पे, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। सो हियर वी हैव द फाइनल प्रोडक्ट। सो ये है ASUS TRIX G17। तो इसके यहाँ पे लिड पे एक इतना बड़ा सा एक आरूजी का एक लोगो है। इस लोगो की एक स्पेशल चीज है कि ये ग्लो करता है। तो ये चीज दिखने के लिए बहुत ज्यादा प्रीमियम सा लगता है। यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा बहुत सारे छोटे छोटे अल्फाबेट्स में आरूजी की ब्रांडिंग का। यहाँ पे जो बैक पोर्शन है, सो यहाँ पे बोल्ड वाला आरूजी का यहाँ पे एक लोगो है एंड यहाँ पे ये जो लैपटॉप है, सो इसका यहाँ पे व्हाइट है 2.4 KG का एंड उसके साथ में यहाँ पे है 2 फैन एंड इसको यहाँ पे कूल करने के लिए इसके यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे वैंस है। तो इसके यहाँ पे कनेक्टिंग पोर्ट्स के बारे में तो क्या कहने, आरूजी ने बिल्कुल दिल खुश कर दिया है। सो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे पोर्ट्स है। सो यहाँ पे लैपटॉप को खोलते आप लोगों को दिख जाएगा 17.3 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। इसको बूट करते हैं।
सो एज बिंग एन कॉन्टेंट क्रिएटर मेरे लिए यहाँ पे डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है क्योंकि उस पर हम लोग ज्यादा टाइम देखते रहते हैं। एंड उसके साथ में यहाँ पे जो बेजल्स है ना, बाय गॉड आसुस ने यहाँ पे बिल्कुल किल कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो इतना ज्यादा ये चीज पतला है। सो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा एक फुल साइज का यहाँ पे ROG कीबोर्ड। प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया राइजन 7 4800X। एंड उसके साथ में यहाँ पे GTS 1650 का ग्राफिक्स। एंड यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फास्ट Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी है। ये चीज लेने का मेरा बहुत दिन से प्लान था, सो आज फाइनली मैंने ये चीज ले ही ली है। सो आगे बहुत ज्यादा मजा होने वाला है गाइस। सो यहाँ पे ये वाला जो लैपटॉप है, सो इसके बारे में अगर तुम लोग को और भी ज्यादा डिटेल में जानना है, सो इसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो तुम लोग वहां से जाकर चेक कर लेना। सो मैं अपने इस चैनल के रिगार्डिंग अपने रिगार्डिंग सारे अपडेट अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डालता हूं, सो तुम लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम दिस इज मी द स्मेल गुरु साइनिंग ऑफ।